फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारे पास मारुति कंपनी की वैगनर गाड़ी आई हुई है। फ्रेंड एक रास्ते में बंद हो गई थी तो हमने इसको धक्का मार कर स्टार्ट करके लाया है। ठीक है फ्रेंड, इसका क्या होता है अगर हम जब इग्निशन देते हैं तो कुछ बोल नहीं रहा है, टॉक टू कुछ ऐसा आवाज़ नहीं आ रहा है, तो हमने इसको धक्का मार कर अपने घर तक लाया है। तो हम आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाते हैं। देखिए स्टार्ट करके देखिए, आप देख सकते हैं मीटर पर सारी लाइटें आ रही है, तो देख सकते हैं बैटरी का लाइट, चेक लाइट, सब लाइट। ये देखिए जैसा हम, देखिए जैसा हम सेल्फ मारने के लिए स्टार्ट करते हैं, देखिए कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहा है, टाक टूक या कुछ ऐसा जैसे बैटरी डाउन हो कुछ हो। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम इसका एक बार बैटरी टेस्ट लगा के इसका बैटरी चेक करते हैं कि बैटरी ओके है कि नहीं। ठीक है, हमारे देख सकते हैं बैटरी का दोनों वायर लगा हुआ है, ये देखिए प्लस माइनस दोनों टाइट भी है। तो हम इसमें बैटरी का टेस्टर लगाएंगे। तो फ्रेंड हम इसका बैटरी टेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड हमने इसका बैटरी टेस्टर से बैटरी चेक किया है, ये देख सकते हैं गुड बैटरी करके आ रहा है। तो फ्रेंड हमारा इसका मतलब बैटरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा बैटरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसका स्टार्टर का एक बार जो सिलेंडर स्विच में वायर लगता है मेन, उसको निकाल के एक बार करंट चेक करते हैं कि वहाँ तक हमारा करंट पास हो रहा है क्या। अगर वहाँ तक हमारा करंट पास होता रहेगा तो समझ लीजिएगा फिर स्टार्टर का प्रॉब्लम है। तो हम इसका स्टार्टर ओपन करेंगे, सबसे पहले हम इसका करंट चेक करेंगे। तो अंसारी जी नीचे जाइए, देख सकते हैं ये टेस्टर है, वायर पकड़िए। तो फ्रेंड हम वहाँ से सेल्फ मारते हैं, सेल्फ मारने पे आप यहाँ से देखिएगा लाइट जलना चाहिए, अगर लाइट जल रहा है तो समझ लीजिएगा हमारा स्टार्टर का प्रॉब्लम है। लगा रहे वायर? हाँ 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 जल रहा है, जल रहा है ना? हाँ। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि हमारा जो सोलेनोइड स्विच आता है वहाँ तक करंट हमारा आ रहा है, तो हमारा स्टार्टर तक करंट नहीं पहुँच रहा है। तो हम इसका स्टार्टर ओपन करेंगे और उसको ओपन करके एक बार चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है फ्रेंड, और उसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारा स्टार्टर बनने लायक रहा तो हम उसे बनाएंगे, नहीं तो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसका स्टार्टर ओपन करना चालू कीजिए, निकाल दीजिए और एक बैटरी वायर भी खोल दीजिए माइनस का। ये टेस्ट लैंप निकालिए, तो फ्रेंड हमने इसका जो बैटरी का वायर है उसे डिस्कनेक्ट कर दिया है। अब इसका स्टार्टर ओपन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं हमारा स्टार्टर है, तो हम इसे ओपन करके और बाहर लेकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, स्टार्टर को बाहर लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका स्टार्टर का एक बोल्ट ओपन कर दिया है, इसमें फ्रेंड 12 नंबर का दो बोल्ट आता है, इसे ऊपर से आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो एक बोल्ट हमने ओपन कर दिया है, दूसरा बोल्ट ओपन कर रहे हैं, ये देखिए ये दूसरा बोल्ट भी हमने ओपन कर दिया। ठीक है, स्टार्टर बाहर ले लीजिए। तो देखिए ये स्टार्टर हमारे अंसारी जी बाहर लेकर आ रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड ये इसका स्टार्टर है। तो फ्रेंड हम इसे चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसमें करके। तो ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमने इसका स्टार्टर ओपन किया था, तो इसमें जो खर्चा है वो ज़्यादा ही आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसका नया स्टार्टर से समझ लीजिए 1000-2000 का डिफरेंस पड़ रहा है। तो इसके लिए हमने इसका नया स्टार्टर अरेंज कर दिया, क्योंकि जूना पार्ट डाल नया पार्ट डालकर फिर जो शाफ्ट है, बैरिंग है, वो सब जूना ही रहेगा, सिर्फ कार्बन बच्चा स्विच आर्मेचर तार वार वो सब नया होगा। तो इसके लिए हमने सोचा कि इसका नया ही डायरेक्ट डाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसका नया स्टार्टर अरेंज किए हैं, हम नया स्टार्टर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने कस्टमर से पता किया तो बोले कि सर जब इतना खर्चा रिपेयरिंग में जा रहा है तो उससे अच्छा नया डाल दीजिए आप। तो इसके लिए हमने इसका नया स्टार्टर रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम नया स्टार्टर आपको दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये देख सकते हैं इसका नया स्टार्टर है, ये देख सकते हैं लुकास कंपनी का है, ये हमारा नया वाला, और जूना वाला भी हम आपको दिखाते हैं कौन से कंपनी का है। ये देखिए हमारा जूना वाला भी लुकास कंपनी का है, तो हमने सेम स्टार्टर अरेंज किया है, देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम नया वाला स्टार्टर फिट करेंगे और फिट करके फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारे स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है कि नहीं। स्टार्टर फिटिंग करने जा रहे हैं नया वाला, तो
इसका स्टार्टर फिट करके उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारा जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है कि नहीं। तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हमारा नया स्टार्टर फिट हो रहा है। ठीक है, इसका बोर्ड लगाइए। ठीक है फ्रेंड, तो इसका स्टार्टर हम फिट करके और उसके बाद आपको सेल्फ मार्कर दिखाते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड ये हमारी मारुति की कंपनी वैगनार है ओल्ड वाली, जिसका स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा स्टार्टर फिट हो रहा है, एक बोल्ट लग गया है, दूसरा बोल्ट लगा रहे हैं। तो इसको फाइनल टाइट करके उसके बाद हम आपको स्टार्ट करके चेक करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड हमने इसका स्टार्टर फाइनल टाइट कर दिया है, तो हम इसका बैटरी वायर डिस्कनेक्ट किए थे, इसे लगाते हैं और लगा के बाद चेक करते हैं। तो फ्रेंड हमने इसका बैटरी वायर भी लगा दिया है और इसका स्टार्टर भी हमने फिट कर दिया है। देख सकते हैं जूना वाला स्टार्टर इधर पड़ा हुआ है, ये इसका जूना वाला स्टार्टर है। ठीक है फ्रेंड, अब हम सेल्फ मारते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। ये देखिए, तो इसका मतलब फ्रेंड हमारा स्टार्टर का ही प्रॉब्लम था। देख सकते हैं फ्रेंड हमने 4-5 बार इसको बंद चालू किया, तो ये हमारा स्टार्टर ओके है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा गाड़ी भी ओके हो चुका है। एक बार और आपको चाहिए तो हम दिखा देते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड हमने इसमें स्टार्टर रिप्लेस किया है, इसका स्टार्टर का प्रॉब्लम था। इसका जो बच्चा स्विच आता है उसमें पानी जाने के कारण की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था जब सेल्फ मार रहे थे, और उसमें स्टार्टर के अंदर पूरा पानी चला गया, तो उसकी वजह से उसका कार्बन वार्बन में पूरा प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके लिए हमने इसका स्टार्टर रिप्लेस कर दिया है, हमने नया जाल दिया, क्योंकि हमने कस्टमर से बात किया तो बोलते कि रिपेयरिंग में इतना खर्चा आ रहा है, उससे अच्छा 2-3 हज़ार का फ़र्क पड़ा था, काम कर दीजिए आप नया डाल दीजिए। तो इसके लिए हमने उनके हिसाब से काम किया है और हमने इसमें स्टार्टर नया डाल दिया है। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा प्रॉब्लम जो था स्टार्टिंग का वो भी सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारा ये वैगनर का मारुति का स्टार्टिंग का प्रॉब्लम का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।